हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताऊंगी, उसकी सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगी। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में 75% पानी है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसे कंडीशन में हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये हमें तब होता है जब हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है और पानी निकल जाए और हम पानी नहीं पी पाते हैं। तो डिहाइड्रेशन मोस्टली एक्सरसाइज के दौरान, मतलब जब हमें घूमने फिरने जाते हैं तो खासकर हमें दौड़ने के दरमियान पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और उस समय अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो चलिए चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अगर आपको लॉस मौसम हो रहे हैं उसके साथ आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो कैम्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसके 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसकी दूसरी मेडिसिन है ब्रिट्रम एल्बम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर आपको डिहाइड्रेशन के साथ वोमिटिंग हो रही है तो आप इपिका 30 CH में हर 1 घंटे में ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 1 बूंद और बड़े हैं तो 2 बूंद लें। इसकी अगली मेडिसिन है जलसेमियम 30 और चाइना और साथ में कार्बोभेज 30। अगर आपको डिहाइड्रेशन के साथ वीकनेस यानी कमजोरी होती है तो आप ये मेडिसिन ले, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आशा करती हूँ इसके साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।